प्रो कर योर। टेस्ट टू रखो ना सर, टे जो के बजे पेपर जो सर। हाँ रखूँगा रखूँगा, टेस्टूं भी रखूँगा। बैक्टीरिया के दिसंदा से बैक्टीरिया जी किन दुनिया में वायरस खां बाद में बे नंबर से नंढड़ा पिछकड़ा जानदार हैं, या जानदारन में सब खां नंढड़ा जानदार हैं। वायरस इज नॉट मीन्स इंक्लूडेड इन किंगडम सिस्टम। ता इन जमीन ते सब खां पहिरियां जेके जानदार ओरिजिनेट थियन, दैट आर द बैक्टीरिया। अबाउट 2 बिलियन ईयर्स अगो जेके ज़मीन ते इन्हनि पंहिंजो वजूद लथो आहे इन्हनि जो। ऐं हीअ जानदार जेके आहिनि यूनिसेलुलर आहिनि, यूनिसेलुलर ऐं प्रोकारियोट्स आहिनि, ऐं तमामु जा तमामु प्रोकारियोट्स किंगडम प्रोकारियोटी में रखियल आहिनि। तक़रीबन 3,000 खां बि वधीक इन जूं स्पीशीज़ जेके आहिनि अप टू डेट आइडेंटिफाई थी चुकियूं आहिनि। ऐं हीअ जानदार जेके आहिनि बग़ैर न्यूक्लियस वारा, बग़ैर माइटोकॉन्ड्रिया वारा, विदाउट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, विदाउट लाइसोसोम, गॉल्जी बॉडीज़ या बाउंडेड ऑर्गेनिज़म्स, तमाम जा तमाम इन जा एब्सेंट हूंदा आहिनि। ऐं बैक्टीरिया दुनिया में ओमनी पोटेंट या ओमनी प्रेज़ेंट अथव। आफ्टर गॉड ऑलमाइटी वी कैन से, अलाह साईं खां बाद में जेकॾहिं ॾिठो वञे त बैक्टीरिया तव्हांखे हर जॻह ते, हर जॻह ते मिलंदा। इवन तव्हांजी बॉडी जे मथां, हवा में, पाणीअ में, या मुख़्तलिफ़ ॿिनि जॻहनि ते बि तव्हांखे मिली सघनि था हीअ बैक्टीरिया जेके आहिनि। बैक्टीरिया एंटोनी वान लिवनहुक वॉज़ द साइंटिस्ट। एंटोनी वान लिवनहुक पहिरियों साइंटिस्ट हो जंहिं पंहिंजी हिकिड़ी माइक्रोस्कोप ठाही, ऐं उन माइक्रोस्कोप जी मैग्निफिकेशन या उनजी रेज़ोल्यूशन खे चेक करण जे लाइ उन पाणी जे ड्रॉप खे स्लाइड ते रखी करे ॾिठो 1673 में। 1673 में जॾहिं ड्रॉप ऑफ वाटर खे उन स्लाइड ते रखी करे ॾिठो त पाणीअ जे अंदरि उनखे का शइ रिगल कंदे नज़र आई, पाणी जे अंदरि उनखे का शइ मूव कंदे नज़र आई, ऐं उन पाणी जे अंदरि जेका मूवमेंट कंदे नज़र आई उनखे उन नालो ॾिनो बैक्टीरिया जो। अॻिते हली करे 1677 में इहा पंहिंजी रिसर्च जेका आहे हिकु जर्नल में पब्लिश कराई, ऐं उन जर्नल जो नालो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन, दैट इज़ द जर्नल दैट मीन्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द बैक्टीरिया इन 1677। ऐं उन खां बाद में इहा डिस्कवरी जेका आहे उहा बैक्टीरिया जी इन माण्हूअ जे नाले ते थी वई। ऐं बैक्टीरिया तमामु नंढड़ा पिकड़ा हूंदा आहिनि, हिन जी जेकॾहिं ब्रीड साइज़ ॾिसंदासीं उहा तक़रीबन 0.22 माइक्रॉन हूंदी आहे ब्रीड या विड्थ में, ऐं लेंथ जे लिहाज़ सां जेकॾहिं पाण ॾिसंदासीं त 2 to 10 माइक्रॉन हूंदी आहे। 2 to 10 माइक्रॉन जेका आहे उहा इन जी लेंथ हूंदी अथव, बॉडी लेंथ हूंदी आहे, माना विड्थ में, थिकनेस में 0.22 माइक्रॉन, ऐं लेंथ में जेके आहिनि 2 to 10 माइक्रॉन जेका आहे इन जी बॉडी साइज़ हूंदी आहे। त बैक्टीरिया जेके आहिनि उनखे जेकॾहिं पाण स्टडी कंदासीं त बैक्टीरिया जी बॉडी जे ॿाहिरां सेल वाल मौजूदु हूंदी आहे, एंड दिस इज़ अ सेल वाल। सेल वाल बैक्टीरिया जी पिपटाइडो ग्लाइकन जी ठहियलु हूंदी आहे, या म्यूरेन बि चइबो आहे, हीअं टेक्सिक बि चइबो आहे, म्यूराइन, म्यूरेन, या तव्हां चई सघो था पिपटाइडो ग्लाइकन जी ठहियलु हूंदी आहे। ऐं इन जी अंदरूनी जेका सेल मेम्ब्रेन आहे एज़ यूजल, सेल मेम्ब्रेन इज़ मेडअप ऑफ लिपो प्रोटीन्स इज़ लाइक द यूकारियोटिक ऑर्गेनिज़म्स। सेल मेम्ब्रेन में नंढड़ा नंढड़ा फोल्ड्स हूंदा आहिनि, ईअं सेल मेम्ब्रेन में नंढड़ा नंढड़ा फोल्ड्स हूंदा आहिनि, ऐं इन्हनि फोल्डिंग्स खे पाण नालो ॾींदा आहियूं मीज़ोज़ोम्स। मीज़ोज़ोम्स चइबो आहे, ऐं इहे मीज़ोज़ोम्स जेके हूंदा आहिनि दैट आर फॉर द सेल डिवीजन, दैट आर फॉर द रीप्रोडक्शन, डीएनए रिप्लीकेशन, ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके ॿियूं एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि उन जे लाइ रिस्पॉन्सिबल हूंदा आहिनि। ऐं इन जे अंदरि जेनेटिकल मटीरियल अवेलेबल हूंदो आहे डीएनए, ऐं इन में हिकिड़ो ई क्रोमोज़ोम हूंदो आहे, ऐं क्रोमोज़ोम यूकारियोटिक क्रोमोज़ोम खां ई चेंज हूंदो आहे। छो
छो जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए से गडोगड हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे पर इन में सिर्फ डीएनए होंगे है डू नॉट पजेस हिस्टोन प्रोटीन इन के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग भी होंगी है जैसे पान प्लाज्मिड चवंदा है एंड दिस इज अ गॉड गिवन गिफ्ट प्लाज्मिड इज अ डीएनए रिंग है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग है जेका ज्यादातर पान यूज कंदा है ड्यूरिंग द डीएनए ड्यूरिंग द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या बायोटेक्नोलॉजी के लिहाज से यूज कंदा है इन के अंदर बया तमाम ऑर्गेनल्स एब्सेंट आन पर राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट आन इन लोकोमोशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर अवेलेबल है दैट नोन एज फ्लेजिला इनकी लोकोमोशन बाय द हेल्प ऑफ फ्लेजिला थे थी उन बाद में फ्लेजिला जड़ी बी स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है दैट नोन एज पिली या पिलाए इनके चबो है पिली फ्लेजिला में फर्क ही हों फ्लेजिला जो लेंथ में लंबा हों सॉलिड रिजिड हों अंदरिया हॉलो स्ट्रक्चर न होंगी है हेल्प इन लोकोमोशन कह जैसे सब पिली दैट आर सेंट्रली हॉलो दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्जुगेशन पिली पिलाए जो कॉन्जुगेशन में कम कंदा बो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हों कें भी जगह से अटैचमेंट दिखारा कें भी सबस्ट्रेटम से इनके बधे बीहारन था या पकड़े बीहारन था तो जी पानी के अंदर तरी कर मूव न करे वे तो पिली जी अटैचमेंट के लिए कम कंदा उन बाद में कॉन्जुगेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए भी इनके स्पेशली यूज कबो है इन के अंदर तमाम बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे सेल वाल के बारा एक बी लेयर भी अवेलेबल होंगी है जैसे पा कैप्सूल या कैप्सिड चवंदा कैप्सूल वाली जो लेयर है वह बाहर एक्स्ट्रा लेयर होंगी है जो इनके पैथोजेनोसिटी दीदी है इनमें न्यूक्लियाइड जो बैक्टीरिया के जेनेटिकल मटीरियल के पान न्यूक्लियस में चवंदा न्यूक्लियाइड चवंदा पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर जेनेटिकल मटीरियल ऑफ बैक्टीरिया इज अवेलेबल दैट्स नोन एज अ न्यूक्लियाइड बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिकल मटीरियल जिते मौजूद होंगे है उनके पान न्यूक्लियाइड चवंदा पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर जेनेटिकल मटीरियल इज अवेलेबल बैक्टीरिया जो वो पार्ट साइटोप्लाज्म के अंदर जिते जेनेटिकल मटीरियल अवेलेबल होंगे उनके पान न्यूक्लियाइड जो नालो दिना बैक्टीरिया जो न्यूक्लियाइड के लिहाज से इतने एकड़ो ही क्रोमोसोम होंगे है तेज कर बैक्टीरिया हेप्लॉइड इन नेचर का बैक्टीरिया एक हों ग्राम पॉजिटिव बया हों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हों उन सेल वाल जी जेका है एकड़ी थिक लेयर होंगी है वन सेल वाल थिक लेयर होंगी है उनमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हों उनमें सेवरल लेयर्स होंदियों या खोड़ सारी लेयर्स अवेलेबल होंदियों उन क्रिस्पिन ग्राम की कलरेशन के लिहाज से भी तुम इनके क्लासीफाई कर सको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिहाज से भी तुम नॉर्मली इनके आइडेंटिफाई कह बैक्टीरिया में जो कैप्सूल होंगे है वो पॉलीसेक्राइड ए प्रोटीन्स जो ठहल होंगे तो दैट प्रेजेंट आउटसाइड द सेल में सेल वाल पॉलीसेक्राइड ए प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशन में छांदड़ बाहर एक्स्ट्रा पैथोजेनोसिटी देने के लिए बैक्टीरिया में कैप्सूल की अवेलेबिलिटी होंगी है हाँ बैक्टीरिया जहा टाइप्स बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन घन तरीक से ठहल एक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है वह ऑन द बेसिस ऑफ एंशियंट ओल्ड ए न्यू के बेस से बैक्टीरिया एक असट ओल्ड बैक्टीरिया जिन्हें के पान आर्च बैक्टीरिया चौदा एंशियंट बैक्टीरिया बया हों यू बैक्टीरिया जो न्यू या मॉडर्न टाइप हाँ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या बया मौजूद है आर्च एंशियंट बैक्टीरिया में एक होंगे मीथोजेनिक बैक्टीरिया जो डीट मिथेन की प्रेजेंस में रहा है बया हों थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो टेम्परेचर में रहा है एंड अदर आर नोन एज मीथोजेनिक बैक्टीरिया जो मिथेन की प्रेजेंस में रहा है एक यू बैक्टीरिया सर बाबा जी सर आवाज न तो अच्छे सुनियो सर आज की बैक्टीरिया में सर सेल वाल ना होता सर कैसे आर्च बैक्टीरिया में
आर्च बैक्टीरिया जो होता है डू नॉट कंटेन द पेप्टाइड ग्लाइकेन होती है सर, आर्की बैक्टीरिया में सर सेम वाला तो न होता है ना सर? न उनमें थी सके तो सुना तो थी सके बिन जिला लिखल है सम बैक्टीरिया मे लेक सेल वाल आर्च बैक्टीरिया वरी अलग बुधायल तो दे डू नॉट पजेस द पेप्टाइड ग्लाइकेन इन्हें के अंदर पेप्टाइड ग्लाइकेन न होता है बया जो कुछ केमिकल सजेस्टेंसेस थी सकता है अंदर आर्च बैक्टीरिया जो एंशियंट आन ओल्डेस्ट बैक्टीरिया इन में मीथोजेनिक थर्मोफाइलिस बया कुछ बैक्टीरिया जो इनमें अवेलेबल आज हाँ बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पा जिसा गोल राउंडेड है जिन्हें के पा पॉक्सी बैक्टीरिया चवंदा दैट आर राउंडेड बेसिलाई बैक्टीरिया दैट आर रॉड शेप स्पाइरिला जो बैक्टीरिया दे आर स्प्रिंग लाइक बया हूँ विब्रियो कामा शेप्ड विब्रियो या इन्हें के पा कामा शेप्ड बैक्टीरिया जो नालो दिना वन आर द कॉक्सी दे आर राउंड एंड अदर आर द बेसिलाई दैट आर द रॉड शेप स्पाइरिला स्प्रिंग शेप कामा दैट आर कर्व कॉक्सी बैक्टीरिया नॉन फ्लैजिलेटेड हूँ कॉक्सी बैक्टीरिया स्पेरिकल हूँ एंड नॉन फ्लैजिलेटेड हूँ कोकाए जो मतलब ही असल में राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर आन में इनमें जो बैक्टीरिया हों तो उनके पा मोनोकोकस चवंदे जैक्टीरिया हों तो उनके पा डिप्लोकोकस चवंदे जार बैक्टीरिया गड मौजूद हों तो उनके ट्रेट्राकोकस जो नालो दिंदे पर जैसे अठ बैक्टीरिया चार बैक्टीरिया ये सामू आन चार वही बया इन से गड लगन आमने सामने लगन चार एक पास चार बे पास आमने सामने बैक्टीरिया लगन था उनके सर सीना चेबो एट बैक्टीरिया के एकड़ो आन हि बैक्टीरिया हि चार बैक्टीरिया हि अठ बैक्टीरिया पर जैसे बैक्टीरिया सीधी चैन में लगल आनी है इनके पा स्ट्रेप्टोकोकस चवंदा आहिनि जेकॾहिं ब्रांचिंग सिस्टम जे अंदरि इन्हनि जी अवेलेबिलिटी आई है त इनखे पाण स्टेफाइलो बैक्टीरिया जो नालो ॾींदा आहियूं जी बोलो सर टेट्राकोकस खे टेट्रा ॾेई था सघो टेट्रा चार खे चऊं पिया छा पिया चऊं बुक में लिखियल आहे टेट्राड चवंदासीं टेट्राड चई सघो था टेट्राड त चार जे लाइ यूज़ कबा आहिनि उहे टेट्राड वरी कॉमनली असां यूज़ कंदा आहियूं इन जे लाइ टेट्राड क्रोमोसोम्स जे लाइ पर टेट्राड चार जे लाइ तव्हां यूज़ करे सघो था चार खे टेट्राड चई सघो था या टेट्राकोकस चई सघो था त उन जे लाइ कॉमनली यूज़ करे सघो था जीअं हिते ॾिनल अथव टेट्राड ऐं डिप्लोकोकस आहिनि टेट्राड्स आहिनि सरसीना आहे त इहे कॉमनली जेके आहिनि बैक्टीरिया आहिनि ऐं नॉन फ्लैजिलेटेड हूंदा अथव ऐं ॿिया हूंदा आहिनि बेसिला आहे जेके रॉड शेप्ड हूंदा आहिनि ईअं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी इं ही हूँ जैसे एकड़ो हो तो मोनोबेसिल है ब होजन तो डाई या डिप्लोबेसिल है या सीधी चैन में होजन तो स्ट्रेप्टोबेसिल है अड़े तरीके से कुछ बैक्टीरिया सीडोमोनास या बेसिल है टाइटेनी वाला बैक्टीरिया भी कॉमन अवेलेबल है दीज आर फ्लैजिलेटेड ये बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड हूँ बया बैक्टीरिया स्पाइरल स्प्रिंग शेप्ड हूँ इन ऐं इन जे लाइ पुछियो अथनि ॿ टे दफ़ा क्वेश्चन आयो अथव त बाबा स्पाइरोचेटी वारा जेके बैक्टीरिया आहिनि उहे कहिड़े ग्रुप सां तालुक़ु रखंदा तव्हां चवंदव स्पाइरिला सां तालुक़ु रखंदा ऐं ॿियो विब्रियो या कामा शेप बैक्टीरिया जे लाइ बि पुछियो अथनि त विब्रियो या कामा शेप बैक्टीरिया जेके आहिनि कहिड़ी डिज़ीज़ काज कंदा आहिनि कॉलरा डिज़ीज़ काज कंदा आहिनि जेका पाण चैप्टर नंबर 12 जे अंदरि डायरिया ऐं डायसेंट्री सां गॾु जेके आहिनि पाण स्टडी कंदा आहिनि त कॉलरा जेका आहे डायरिया वारी कंडीशन आहे कॉमनली जेके आहिनि इहे काज कंदा आहिनि विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया आहिनि जेके डिज़ीज़ काज कंदा आहिनि ऐं इहा डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रॉब्लम हूंदो आहे जेको प्रॉब्लम क्रिएट कंदा आहिनि हाणे बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बि क्लासिफाइड आहे हिकिड़ा उहे जंहिंमें हिकिड़ो फ्लैजिला हूंदो आहे हिते लिखांसि थो अहिड़ा बैक्टीरिया जंहिंमें हिकिड़ो फ्लैजिला बि न हुजे उनखे आर्ट्राइकस चइबो आहे विदाउट फ्लैजिला ऐं अहिड़ा बैक्टीरिया जंहिंमें हिकिड़ो फ्लैजिला हुजे मोनोकोक मोनोट्राइकस पर जेकॾहिं हिकिड़ी साइड ते जाम सारा फ्लैजिला हुजनि त उनखे नालो ॾिबो आहे दैट नोन एज़ लोफोट्राइकस
ऐं जेकॾहिं फ्लेजिला जा टफ्ट ॿिन्हिनि साइडन ते मौजूदु हुजनि ईअं बंडल जी फॉर्म में, त इनखे पाण नालो ॾींदासीं एम्प्टी फ्लेचर्स। ऐं हिन मां क्वेश्चन आया अथव ॿ टे दफ़ा, बैक्टेरिया मां ॾींदा अथव क्वेश्चन, बैक्टेरिया मां ॾींदा अथव। ऐं जेकॾहिं बैक्टेरिया जे हर तरफ़ खां मौजूदु हुजनि त उनखे पाण पेरीट्राइकस जो नालो ॾींदा आहियूं। आर्ट्राइटस मीन्स विदाउट फ्लेजिला, मोनोट्राइटस मीन्स हिकिड़ो फ्लेजिला, लोफोट्राइटस माना हिकिड़ी साइड ते क्लस्टर या बंडल जी फॉर्म में फ्लेजिला, ॿिन्हिनि साइडनि ते बंडल जी फॉर्म में फ्लेजिला हुजनि त एम्फीट्राइटस, पर जेकॾहिं पूरी बॉडी खे कवर कनि त हुनखे पेरीट्राइटस चइबो आहे। आर्ट्राइटस विदाउट फ्लेजिला, मोनोट्राइटस सिंगल फ्लेजिला, लोफोट्राइटस टफ्ट ऑफ फ्लेजिला फ्रॉम वन साइड, एम्फीट्राइटस माना ॿिन्हिनि साइडनि खां फ्लेजिला, पेरीट्राइटस मीन्स अराउंड द बॉडी जेके आहिनि या सेल जेके आहिनि फ्लेजिला अवेलेबल हुजनि। हाणे इन खां बाद में बैक्टेरिया जेके आहिनि, हिकिड़ा बैक्टेरिया हूंदा आहिनि पाण वटि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टेरिया हूंदा आहिनि। दीज बैक्टेरिया कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, बट दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज़म्स ते डिपेंड कंदा आहिनि। असां वटि बैक्टेरिया जे लाइ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जे लिहाज़ सां हिकिड़ी शइ ॾिनल अथव, पर क्लासिफिकेशन में हिकिड़ी ॿी शइ बि ॾिनल अथव, क्रिस्टन ग्राम वारी जेका आहे। क्रिस्टन ग्राम वारा जेके बैक्टेरिया आहिनि, ग्राम पॉज़िटिव बैक्टेरिया पर्पल कलर ॾींदा अथव, ऐं ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया जेके आहिनि उहे पिंक ॾींदा अथव। हाणे यादि रखंदो, पॉज़िटिव पर्पल ॾींदा आहिनि ऐं नेगेटिव जेके आहिनि उहे पिंक ॾींदा आहिनि। पॉज़िटिव पर्पल ऐं नेगेटिव पिंक कलर ॾींदा अथव, छो जो क्रिस्टन ग्राम हिकु साइंटिस्ट हुयो, उन हिकिड़ी स्टेन ठाही ऐं उन स्टेन जे अंदरि जॾहिं बैक्टेरिया खे रखाई त उनजे बेस ते बि हिनखे क्लासिफाई कबो आहे। त हाणे बैक्टेरिया जेके आहिनि, हिकिड़ा आहिनि पैरासाइटिक बैक्टेरिया। पैरासाइटिक बैक्टेरिया उहे आहिनि जेके डिज़ीज़ काज कंदा आहिनि, नमूनिया काज कंदा आहिनि, टीबी काज कंदा आहिनि, या उन खां बाद में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके बि पैथोजेनिक बैक्टेरिया आहिनि उन्हनि खे पाण पैरासाइटिक बैक्टेरिया जो नालो ॾींदा आहिनि। ऐं ॿिया हूंदा आहिनि सेप्रोट्रॉफिक बैक्टेरिया, जेके गंद ते मिलंदा आहिनि, ह्यूमस ते मिलंदा आहिनि, डेड ऑर्गेनिक मटीरियल ते मिलंदा आहिनि, फंगस सां गॾु मिलंदा आहिनि, उन्हनि खे पाण सेप्रोट्रॉफिक फंजाए जो नालो ॾींदा आहियूं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टेरिया जो नालो ॾींदा आहियूं। ऐं सिम्बायोटिक बैक्टेरिया जेके आहिनि, दैट स्पेशली लिव इन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट, पाइजम सेटिवम, मटर आहे, या अहिड़े क़िस्म जा जेके फलियनि वारा बूटा हूंदा आहिनि उन्हनि जे रूट्स जे अंदरि पाया वेंदा आहिनि। ऐं सिम्बायोटिक बैक्टेरिया जेके हूंदा आहिनि, बेनिफिशियल हूंदा आहिनि, उहे नाइट्रोजन खे फिक्स कंदा आहिनि। हिननि में इंपॉर्टेंट बैक्टेरिया जेको पाण वटि आहे उहो राइज़ोबियम रेडिसिकोला बैक्टेरिया आहे। राइज़ोबियम रेडिसिकोला बैक्टेरिया वारा जेके बैक्टेरिया आहिनि, इहे ज़्यादातर जेके बैक्टेरिया आहिनि, इहे स्पेशली जेके आहिनि प्लांट जे रूट्स जे अंदरि पाया वेंदा आहिनि। सिम्बायोटिक बैक्टेरिया आर बेनिफिशियल बैक्टेरिया हूंदा आहिनि, हार्मफुल बैक्टेरिया न हूंदा आहिनि इहे। ऐं ॿिया बैक्टेरिया हूंदा आहिनि जिन खे पाण ऑटोट्रॉफिक चवंदा आहिनि। हिकिड़ा आहिनि फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया, जेको वॉन नील 1930 में इंट्रोड्यूस करायो, वॉन नील। ऐं इन इहा शइ ॿुधाई त बैक्टेरिया ज़मीन मां या पाणी मां जेको आहे वाटर कलेक्ट करण जे बजाए उहो H2S खे कलेक्ट करे थो, हवा मां कार्बन डाइऑक्साइड ऐं H2S सां गॾु मिलाए करे ग्लूकोज ठाहे थो, ऐं प्लस में उहो वाटर रिलीज़ करे थो ऐं सल्फर रिलीज़ करे थो। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस मटीरियल, सल्फर इज़ ऑल्सो पॉइजनस। तंहिंजे करे असां चवंदा आहियूं त दिस फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट ईको फ्रेंडली। प्लांट जो जेको फोटोसिंथेसिस आहे उहो ईको फ्रेंडली आहे। प्लांट जे फोटोसिंथेसिस हवा मां कार्बन डाइऑक्साइड खे खणे थो ऐं हवा में ऑक्सीजन खे रिलीज़ करे थो, ऐं बैक्टेरिया जेके आहिनि ज़मीन मां पाणी खे, हिन में H2S खे खणनि था, हाइड्रोजन सल्फाइड खे हवा मां कार्बन डाइऑक्साइड ऐं ऑक्सीजन जे बजाए ई सल्फर रिलीज़ कंदा। तंहिंजे करे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ पॉल्यूटेंट एंड सल्फर इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेंट। तंहिंजे करे ॿई पॉल्यूशन काज कनि था, तंहिंजे करे बि पाण चई सघूं था। ऐं कीमोट्रॉफिक बैक्टेरिया, यू नो वेरी वेल दे आर एबल टू यूज़ द शिन, सल्फर हाइड्रोजन आयरन नाइट्रोजन, सल्फर हाइड्रोजन आयरन नाइट्रोजन खे यूज़ कंदा। ऐं उन खां बाद में जेके कीमोसाइंथेटिक बैक्टेरिया हूंदा आहिनि, उहे केमिकल्स मां पंहिंजो खाधो तयारु कंदा आहिनि, ऐं केमिकल्स खे यूज़ कंदे पंहिंजे फूड मटीरियल खे सिंथेसिस कनि था या फूड मटीरियल यूटिलाइज़ कंदा आहिनि। ऐं बैक्टेरिया जेके आहिनि, ऑटोट्रॉफिक बैक्टेरिया, कीमोसिंथेटिक ऐं फोटोट्रॉफिक बैक्टेरिया। ऐं हिकिड़ी बि शइ, फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया जेके हूंदा आहिनि
उन्हनि में क्लोरोबियम क्लोरोफिल ऐं थेरेटिनॉइड या बैक्टेरियल क्लोरोफिल हूंदो आहे ऐं इन्हनि जे अंदरि प्लास्टिड्स जी अवेलेबिलिटी न हूंदी आहे. दे हैव द फ्री क्लोरोप्लास्ट सॉरी क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल जेके आहिनि उहे फ्री फॉर्म में पाया वेंदा आहिनि. त इन करे इन्हनि में प्लास्टिड्स एब्सेंट आहिनि. फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज़म जे अंदरि पिगमेंट्स अवेलेबल आहिनि ऐं इहे पिगमेंट्स सनलाइट खे एब्ज़ॉर्ब करे करे कार्बन डाइऑक्साइड ऐं एच टू एस खे मिलाए करे ग्लूकोज वाटर ऐं सल्फर जी फॉर्मेशन कंदा. ऐं रिस्पायरेशन जे लिहाज़ सां जेकॾहिं पंहिंजे सम्झंदासीं त बैक्टेरिया रिस्पायरेशन जे लिहाज़ सां ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि. हिकिड़ा उहे बैक्टेरिया जेके एरोब्स आहिनि जेके ऑक्सीजन खे यूज़ कंदा. ॿिया उहे आहिनि जेके एन एरोब्स आहिनि जेके ऑक्सीजन खे यूज़ नथा कनि. हाणे जेके एरोब्स आहिनि त यू नो वेरी वेल जेके एरोब्स आहिनि जेके एरोबिक बैक्टेरिया आहिनि जेके एरोबिक बैक्टेरिया आहिनि इहे स्पेशली ऑक्सीजन खे खणनि था ऑक्सीजन खे यूज़ कंदा. ऐं एरोबिक बैक्टेरिया असां वटि ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि. सर बैक्टेरिया में डिफेंस सिस्टम हूंदो आहे. सर बैक्टेरिया में आवाज़ नथो अचे. सर मां पुछां पियो त बैक्टेरिया में डिफेंस सिस्टम हूंदो आहे. सर डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम बाबा हर जानदार जे अंदरि डिफेंस सिस्टम हूंदो आहे. बैक्टेरिया में सीज़र एंजाइम्स इन्हनि जी बॉडी जे अंदरि बि हिकिड़ो इंज़ाइम रिलीज़ थींदो आहे अगेंस्ट द वायरस. उन वायरस खे किल करण जे लाइ हू पंहिंजी बॉडी जे अंदरि लाइगेज इंज़ाइम इहो सीज़र इंज़ाइम रिलीज़ कंदा आहिनि या जंहिंखे पाण रिस्ट्रक्शन इंज़ाइम्स जो नालो ॾींदा आहिनि. दे आर प्रोटेक्टिंग सिस्टम उन्हनि जी बॉडी जे अंदरि हूंदो आहे. हाणे बैक्टेरिया पाण वटि आहिनि हिकिड़ा एरोब एरोब बैक्टेरिया थ्रू विया आहिनि जेके ऑक्सीजन खे यूज़ कंदा रिस्पायरेशन में. ॿिया हूंदा आहिनि एन एरोब जेके एन एरोब हूंदा आहिनि उहे ऑक्सीजन जी एब्सेंस में या विदाउट ऑक्सीजन but oxygen is not required for their respiration. Hane facultative bacteria they can live with or without oxygen. Facultative bacteria jeke hunda hain ue oxygen ji presence ya absence jo unte ko bhi asar na pavando hai cho jo unhan ki oxygen khape hi na. And micro aerophilic bacteria jeke hunda hain that live in the presence of low oxygen availability mana jeke high mountainous areas hunda hain jeke high altitude regions hunda hain जिते ऑक्सीजन जी तमामु घटिताई या थोराई हूंदी आहे उते बि असांखे ही बैक्टेरिया मिलंदा. ऐं उन जॻह ते जेके बैक्टेरिया सर्वाइव कंदा आहिनि उनखे पाण माइक्रो एरोफिलिक बैक्टेरिया चवंदा आहिनि. ऐं ओब्लीगेट एनरोब्स जेके हूंदा आहिनि दे केन नॉट लिव इन दी प्रेज़ेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओनली लिव इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओब्लीगेट एनरोब्स जेके आहिनि. जेकॾहिं ऑक्सीजन जी अवेलेबिलिटी हूंदी त हीअ बैक्टेरिया डेथ करे वेंदा मरे वेंदा. ऐं बैक्टेरिया मरण वारी कंडीशन जेका आहे उहो कंसर्न हूंदी आहे ऑक्सीजन सां. फैकल्टेटिव जेके एन एरोब्स हूंदा आहिनि दे केन लिव इन ऑक्सीजन बट डू नॉट रिस्पायर. ही फैकल्टेटिव एन एरोब्स जेके आहिनि ऑक्सीजन जी प्रेज़ेंस में रही सघनि था ऐं ऑक्सीजन खां बग़ैर बि रही सघंदा पर इन्हनि खे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ई न आहे. ऐं ओब्लीगेट एरोब्स जेके आहिनि ओनली एंड ओनली सर्वाइव इन दी प्रेज़ेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऐं एरोब्स जेके आहिनि हूंदा ई ओब्लीगेट एरोब्स हूंदा आहिनि या माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन में हूंदा आहिनि. ऐं जॾहिं त फैकल्टेटिव ऐं ओब्लीगेट एनरोब्स जेके आहिनि उहे विदाउट ऑक्सीजन जेके आहिनि सर्वाइव कंदा आहिनि. ऐं बैक्टेरिया में हिकु सेल वाल वारी जॻह ते ऐं सेल मेम्ब्रेन वारी जॻह ते दिस इज़ अ बैक्टेरियल सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन. ऐं हिन जॻह ते हिते हिकिड़ी बेसल स्ट्रक्चर हूंदी आहे. ऐं बैक्टेरिया जी सेल वाल वारी पॉइंट ते हिन जॻह ते व्हील लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल हूंदी आहे. बैक्टेरिया जे अंदरि व्हील लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल हूंदी आहे. ऐं इहा व्हील लाइक स्ट्रक्चर जेका आहे फ्लैजेला खे फ्री मूवमेंट करण में मदद कंदी आहे. फ्लैजेला खे फ्री मूवमेंट करण में मदद कंदी आहे. ऐं इहा व्हील लाइक स्ट्रक्चर जेका आहे उहा बैक्टेरिया जी सेल वाल ऐं सेल मेम्ब्रेन वारी पॉइंट ते अवेलेबल हूंदी आहे. ऐं बैक्टेरिया में मूवमेंट थींदी आहे ऐं पाण खे ख़बर आहे छो जो इंटर में पाण कॉमनली पढ़ंदा आहियूं
ता हिकड़ी पान स्टिमुलस खणदा पारन दिस इज अ स्टिम्यूलाय जेकडे का भी स्टिमुलाय की तरफ शे थी वने तो उनके पॉजिटिव टैक्सेस या टैक्सेस चवना जेकडे उन स्टिमुलस का परे थी वने तो उनके पान नेगेटिव टैक्सेस चवना बैक्टीरिया भी इए ही आइन स्टिमुलस के रिस्पांस कंदा बिकॉज़ दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म तंहिंजे करे केमिकल के रिस्पांस कनि थो उनखे कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स ऐं जेकॾहिं लाइट खे रिस्पांस कनि थो उनखे फोटोटैक्टिक मूवमेंट जेकॾहिं मैग्नेट खे या आयरन खे या कॉपर या सल्फर या माइंस वग़ैरह खे डिटेक्ट करण जे लाइ जेकॾहिं पाणनि खे यूज़ कंदो त उनखे पाण मैग्नेटोटैक्टिक मूवमेंट जो नालो ॾींदा आहिनि बैक्टीरिया खे स्पेशली डिटेक्ट करण जे लाइ बि यूज़ कबो अथव जीअं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा मिनरल्स आहिनि या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं माइंस आहिनि जीअं तव्हां वटि जेके कॉपर आहे या उन खां बाद में गोल्ड आहे या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ॿिया जेके केमिकल्स आहिनि या मटीरियल्स आहिनि उनखे आइडेंटिफाई करण जे लाइ बि यूज़ कंदा आहियूं असां हाणे बैक्टीरिया जी सिर्फ़ु कॉलोनी हूंदी आहे हिकिड़ी हूंदी आहे लेग फेस जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं बैक्टीरिया में हिकिड़ी हूंदी आहे लेग फेस में बैक्टीरिया जेके आहिनि इनएक्टिव हूंदा आहिनि प्रिपरेटरी फेस जंहिंखे चइबो आहे इन लेग फेस में बैक्टीरिया लेग फेस में बैक्टीरिया प्रिपरेशन कंदा आहिनि इन में बैक्टीरिया कॾहिं बि रिप्रोड्यूस नाहे कंदो डिवीजन नाहे कंदो इन में बैक्टीरिया ग्रोथ कंदो आहे लेग फेस में बैक्टीरिया ग्रोथ करे थो ऐं लॉग फेस में बैक्टीरिया मल्टीप्लीकेशन करे थो क्विक रिप्रोडक्शन करे थो बाइनरी फ्यूजन करे थो जल्दी में वधे थो जंहिंमें बैक्टीरिया जी साइज़ वधे थी उहा लेग फेस जंहिंमें बैक्टीरिया जी तादादु वधे थी उहा लॉग फेस ऐं जंहिंमें जेतिरा बैक्टीरिया कॉलोनी में मरनि था एतिरा ई ठहंदा त उनखे पाण स्टेशनरी फेस चवंदा आहियूं स्टेशनरी फेस में जेतिरा बैक्टीरिया कॉलोनी में ठहनि था एतिरा ई मरनि था तंहिंजे करे पाण हिनखे पाण स्टेशनरी फेस जो नालो ॾींदा आहियूं माना डेथ एंड बर्थ रेट ऑफ बैक्टीरिया इक्वल हूंदी आहे ऐं ॿी हूंदी आहे डेक्लाइन फेस जंहिंमें डेथ रेट मोर देन द ग्रोथ रेट हूंदो आहे माना बैक्टीरिया घणा मरंदा आहिनि ऐं ठहंदा घटि आहिनि हाणे अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन खे पाण नालो ॾींदा आहियूं त दैट इज़ द डेक्लाइन फेस हूंदी आहे ऐं ॿी आहे त बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन थींदी आहे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्यूब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बि थींदी आहे उनखे पाण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो नालो ॾींदा आहियूं पर बैक्टीरिया में ट्यूब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरु थींदी आहे ऐं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन इज़ द फिशन एंड अदर वन इज़ द एंडोस्पोर फॉर्मेशन बट रियल एंड ट्रू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज अ बाइनरी फिशन हाणे बाइनरी फिशन जो मतिलबु इहो आहे त पेरेंटल बैक्टीरिया जॾहिं डिवाइड थिए ऐं उन मां ॿ बैक्टीरिया ठहनि त इनखे पाण बाइनरी फिशन चवंदा आहियूं क्विक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अथव फास्टेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अथव इट टेक राउंड अबाउट 20 to 30 minutes ज़्यादा खां ज़्यादा जल्दी में जेका रिप्रोडक्शन थिए थी उहा बाइनरी फिशन आहे फिशन जा ॿ टाइप्स हूंदा आहिनि जॾहिं ॿ ठहनि त उनखे पाण बाइनरी फिशन जॾहिं हिकिड़े बैक्टीरिया मां ॿ खां वधीक ठहनि त उनखे मल्टीपल फिशन चइबो अथव पर बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन कंदो आहे अनफेवरेबल कंडीशन में या त मल्टीपल फिशन कंदो बैक्टीरिया या एंडोस्पोर फॉर्मेशन कंदो जॾहिं एंडोस्पोर फॉर्मेशन जी कंडीशन ईंदी आहे त जॾहिं अनफेवरेबल कंडीशन हूंदी आहे तमामु घणा हालात ख़राबु हूंदा आहिनि हालात एतिरा ख़राबु हूंदा आहिनि जो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल कंडीशन जे लिहाज़ सां बैक्टीरिया जो साइटोप्लाज़म श्रिंक थी वेंदो आहे बैक्टीरिया जो साइटोप्लाज़म श्रिंक थी पवंदो आहे ऐं बैक्टीरिया जो जेको जेनेटिकल मटीरियल आहे उनजे ॿाहिरां सिस्ट अची वेंदी आहे ऐं इहा सिस्ट अॻिते हली करे दिस इज़ नोन एज एंडोस्पोर हिनखे चइबो आहे दोबारा सम्झी वेंदो एंडोस्पोर जेका आहे जेनेटिकल मटीरियल खे प्रिज़र्व करण जे लाइ हूंदी आहे ऐं इन मां नओं बैक्टीरिया डेवलप न आहे थींदो उन सेम बैक्टीरिया जी डेवलपमेंट थींदी आहे एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज़ अ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज़ नॉट ट्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर जेनेटिकल मटीरियल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन त जॾहिं बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन हूंदी आहे उहो पंहिंजे जेनेटिकल मटीरियल खे सिस्ट में कवर करे थो ऐं जॾहिं फेवरेबल कंडीशन थी अचे त दोबारा उन मां नओं बैक्टीरिया डेवलप थिए थो ऐं इन कंडीशन खे पाण एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो नालो ॾींदा आहिनि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न थींदी अथव ऐं इन जे लाइ पाण वर्ड यूज़ कंदा आहियूं असल में जेनेटिक रीकॉम्बिनेशन आर वी कैन से दिस इज़ द सेक्सुअल लाइफ आर यू कैन से द पैरासेक्सुअलिटी बैक्टीरिया में वन इज़ द कॉन्जुगेशन अदर वन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड वन इज़ द ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन में छा हूंदो आहे ॿ बैक्टीरिया हिक ॿिए जे क़रीब अची करे पंहिंजी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन खे शेयर कंदा आहिनि पुराणे बुक में इलाही वॾा पैराग्राफ लिखियल आहिनि पर हिते
असां वटि एतिरो वॾो पैराग्राफ न आहे, सिर्फ़ु डेफिनेशन आहे त हिकिड़े बैक्टेरिया मां ॿिए बैक्टेरिया ताईं जेनेटिकल मटीरियल जो ट्रांसमिट थियणु ऐं नए चेंज्ड ट्रेंड बैक्टेरिया जी स्ट्रेंथ जी ठहणु फॉर्मेशन वारी कंडीशन खे पाण कॉन्जुगेशन जो नालो ॾींदा आहियूं। दिस इज़ अ कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन में बि तव्हां डेफिनेशन यादि रखंदा, लेडरबर्ग ऐं ज़िंडर 1952 में इहो बैक्टेरिया इंट्रोड्यूस करायो इन रिप्रोडक्शन खे, ऐं इन में चयईं त हिकिड़े बैक्टेरिया जी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कंहिं ॿिए बैक्टेरिया ते पहुचे बट बाय द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, दैट पार्टी इज़ नोन एज़ अ बैक्टेरियोफेज। त इन जी बि डेफिनेशन तव्हां यादि रखंदव त ट्रांसडक्शन हिकु अहिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें हिकु बैक्टेरिया जी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कंहिं ॿिए बैक्टेरिया ते ट्रांसमिट थींदी आहे बाय द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। तव्हां खां थर्ड पार्टी जो नालो पुछी सघंदा, थर्ड पार्टी इज़ नोन एज़ अ बैक्टेरियोफेज। ऐं जेका ट्रांसफॉर्मेशन आहे दैट इज़ टोटली कंसर्न विद द इनवायरमेंटल कंडीशन, ऐं इन जे लाइ पाण चैप्टर नंबर 6 इंटर में पढ़ंदा आहियूं त जंहिंमें पाण डीएनए एविडेंसिस पढ़ंदा आहियूं। डीएनए एविडेंसिस में पाण पढ़ंदा आहियूं जेको आहे रफ टाइप बैक्टेरिया नॉन वायरुलेंट हूंदो आहे ऐं स्मूथ टाइप बैक्टेरिया वायरुलेंट हूंदो आहे, आर टाइप बैक्टेरिया नॉर्मल ऐं इस टाइप हीट किल्ड। इन्हनि ॿिन्हिनि बैक्टेरिया खे जॾहिं पाण माउस जे अंदरि इंजेक्ट कंदा थियणु छा खपे, छो जो इस टाइप हीट किल्ड बैक्टेरिया डिज़ीज़ काज़ में कंदो आहे, नमूनिया काज़ में कंदो आहे, ऐं आर टाइप बैक्टेरिया वैसे ई नॉन वायरुलेंट आहे पर जॾहिं माउस जे अंदरि आर टाइप नॉर्मल ऐं इस टाइप हीट किल्ड बैक्टेरिया जे अंदरि इंजेक्ट कंदा त माउस जे अंदरि इस किल्ड बैक्टेरिया इस हीट किल्ड बैक्टेरिया एक्शन नज़र था अचनि, ऐं उहे छाजे करे नज़र था अचनि, दैट केस ड्यू टू द इनवायरमेंटल कंडीशन दैट प्रोवाइडेड बाय माउस एंड सपोर्टेड बाय द आर टाइप बैक्टेरिया, ऐं इनखे पाण नालो ॾींदा आहियूं दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। त तव्हां खां पुछी सघनि था त माउस ते जेको एक्सपेरिमेंट कयो वियो ऐं उन मां जेका एविडेंस जी ख़बर पई त डीएनए सां जेनेटिकल मटीरियल उहो कंहिं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कयो, दैट वॉज द ग्रेप 1928 में, ऐं इन प्रोसेस खे छा चइबो आहे उनखे पाण ट्रांसफॉर्मेशन जो नालो ॾींदा आहियूं, ऐं इन्हनि टिन्हनि खे पाण मिलाए करे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो बि नालो ॾींदा आहियूं। हाणे इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टेरिया ते जेकॾहिं ईंदासीं, सिमिलरली यू कैन से हिकिड़ा हूंदा आहिनि हार्मफुल बैक्टेरिया जेके असांखे डिज़ीज़ काज़ कंदा आहिनि या असांखे नुक़सानु ॾींदा आहिनि। हार्मफुल बैक्टेरिया उहे आहिनि जेके नॉर्मली असांखे डिज़ीज़ काज़ कंदा आहिनि या असांखे नुक़सानु ॾींदा आहिनि, ऐं हार्मफुल बैक्टेरिया जेके खाधे खे एक्सप्लॉइट कनि था, खाधे खे ख़राबु कनि था, गंदो कनि था ऐं डीकम्पोज़ करे छॾींदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि यूज़ कंदा आहियूं असां। ऐं आम जेके ह्यूमन डिज़ीज़ काज जेके बैक्टेरिया करे थो, जीअं ट्यूबरक्लोसिस थिए थी, टाइफाइड थिए थो, कालरा थिए थी, डिप्थेरिया थिए थी, लेप्रोसी थिए थी, डायसेंट्री थिए थी, या एनिमल डिज़ीज़ में ट्यूबरक्लोसिस ऑफ केटल, एंथ्रेक्स ऑफ शीप, कालरा, नमूनिया, हार्सिस शीप ऐं गोट्स वग़ैरह में जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं डिज़ीज़ थींदियूं आहिनि। प्लांट डिज़ीज़ जेके आहिनि यादि रखणियूं आहिनि तव्हां खां, छो जो प्लांट डिज़ीज़ पुछंदा अथव बैक्टेरिया जूं बि, फंगस जूं बि, ऐं इहे जेके बैक्टेरियल ऐं फंगल प्लांट डिज़ीज़ आहिनि कॾहिं कॾहिं ॾींदा अथव, छो जो इहे अनयूजुअल आहिनि, ॿार ज़्यादातर हिते इग्नोर कंदा आहिनि। प्लांट डिज़ीज़ में फायर ब्लाइट ऑफ पीयर, ब्लैक रॉट ऑफ केबेज, रिंग रॉट ऑफ पोटेटो, सेल्फ रॉट ऑफ जेके आहिनि कैरेट, ऐं ॿिया जेके आहिनि डिफरेंट डिज़ीज़ थियनि था। बेनिफिशियल यू नो वेरी वेल द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टेरिया छा आहिनि, ज़मीन जी ज़रख़ेज़ी खे वधाइनि था बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रीफिकेशन या नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टेरिया या ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके राइज़ोबियम रेडिसिकोला बैक्टेरिया, इहे ज़मीन जे अंदरि मौजूदु हूंदा आहिनि जेके ज़्यादातर ज़मीन जी ज़रख़ेज़ी खे वधाइनि था। ऐं हिकु ॿी शइ रहिजी वई अथव हिन में, इंडस्ट्रियल बैक्टेरिया बि अथव। हिकिड़ा अथव एलिमेंट्री केनॉल बैक्टेरिया जेके असांजी एलिमेंट्री केनॉल में आहिनि, जेके एलिमेंट्री केनॉल जे अंदरि पाण वटि मौजूदु आहिनि उहे सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टेरिया आहिनि। जेके इंडस्ट्रियल बैक्टेरिया अथव जेके इंडस्ट्रीज़ मां मिलंदा आहिनि या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कंदा आहियूं, राइटनिंग ऑफ टोबेको जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क और योगर्ट लाइ यूज़ कंदा आहियूं, कन्वर्शन ऑफ हाइट या लेदर फॉर्मेशन जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं, या शराब या अल्कोहल ठाहिण जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं, या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी जेका राइपनिंग ऑफ चीज़ लाइ यूज़ कंदा आहियूं, या फाइबर्स खे कलरेशन जे लिहाज़ सां यूज़ कंदा आहियूं, ऐं मेडिसिनल बैक्टेरिया बि यादि रखंदा जंहिंमां असांखे मेडिसन दवाऊं मिलनि थियूं, थायरोथाइसिन, सब टाइलिन, राइबोफ्लेविन, दीज आर द मेडिसन्स स्पेशली वी आर गेटिंग बाय द हेल्प ऑफ बैक्टेरिया कलेक्ट थींदा।
हाँ बैक्टीरिया के कंट्रोल करने जारे के तरीके कार हैं जो पान बैठे हैं बैक्टीरिया के कंट्रोल करने जारे के तरीके कार हैं उन्हें में कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में व्हेन इंफेक्ट एंड द पॉपुलेशन बिकम अप टू द टॉलरेबल लिमिट इट इज टर्म्ड कंट्रोल दिस इज रिग्रेडेड इज द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया चेबो है हाँ हमेशा याद रखो तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वाली जगह से जिते भी मौजूद आए पहले ऐसा सर्वे करना है उन सर्वे में असा खबर पवी है केतरा मानू सही केतरा मानू बीमार है जेके मानू सही आन उनकी असा वैक्सीनेशन करना है बशू आन जेको मानू बीमार है उनको ट्रीटमेंट करना है जेको मानू सही है उनकी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन करना है उनका बाद में अराउंड एंड सराउंड बिन बारों के बचाने के लिए असा प्रिवेंशन के लिए डिटोल यूज करना है एंटीसेप्टिक शूज करना है पान स्पेशली डिटोल आए पायोडीन आए या मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ बया केमिकल यूज करना है या मानन के पान अवेयरनेस देना है तो ये बीमारी जी एतरी खतरनाक है इनका तुम पान के कि बचा सोता टू कीप द सराउंडिंग एनवायरमेंट क्लीन बाई यूजिंग द एंटीसेप्टिक शी होंगे एंटीबायोटिक बाबा एंटीबायोटिक दवाओं उन्दी असि बॉडी के अंदर यूज करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मारने के लिए बी होंगे एंटीसेप्टिक जी बारह पान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मारने लिए यूज करना है जी फेंस है जी तेफ गार्ड है जी मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ सोप वगैरह जी एंटीसेप्टिक यूज करना है अड़े तरीके से बैक्टीरिया का बचने के लिए बटे शूँ पैं कंडीशन है तुम्हारे को मूल बीमार है उनको ट्रीटमेंट क्यों बो यो तो जो मूल सही है उनकी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन क्यों टी शे तो उनके अराउंड एंड सराउंड में जिते बैक्टीरिया अवेलेबल हैं उनके मत एंटीसेप्टिक दवाओं छिड़को तो जी उ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरी वन कें मूँ तीन डिजीज न थे जैसे कें मूँ के वबाई बीमारी है तो उनके क्वारंटाइन कर हाँ अजकल बुध करंटीना 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 जो मतलब यो है कें रूम के अंदर रखो मूँ के उन रूम के अंदर ही उनके विहारे छो उन रूम के अंदर ही स्पेशली उनके रखो जो टीबी जो फैलजंदड़ बीमारी है जी अजकल पान कोरोना वाली कंडीशन में खतरनाक कंडीशन में परेशान हुआ पर टीबी में असा एतो परेशान न तो जो टीबी वाली जो बीमारी है वह फैलजंदर आए पी जाते पर उनको वैक्सीन भी आए उनको ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है अड़े तरीके से पान वट वैक्सीन्स एंटीबायोटिक यू नो वेरी वेल पान वट वैक्सीन्स हर दवा के लिए मुख्तलिफ़ जानदार के लिए पान एंटीबायोटिक्स स्पेशली पान यूज करना एंटीबायोटिक मेडिसिन होंगे पान पैं एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस कराई दैट वॉज द फ्लेमिंग उनका बाद में 1945 में फ्लेमिंग फ्लोरेन चेन के नोबेल प्राइज भी मिलो पैं एंटीबायोटिक तैयार थी यू नो वेरी वेल पैं एंटीबायोटिक हुई वह पेंसिलिन के नाले से मशहूर थी एंटीबायोटिक जहाँ मुख्तलिफ़ कंडीशन्स शॉर्ट स्पेक्ट्रम्स होंगे जी कुछ शसर थी ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स होंगे घर शसरअंदाज थी बी हूँ जैसे पान थर्ड जनरेशन चवना जैसे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया या घन का घना ताकतवर बैक्टीरिया जो उन भी इफेक्ट कर बो है ये तक अलग छाए कर लेक्चर।